तो व्यूवर्स, यूट्यूब फिर से पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन को बंद करने जा रहा है, इंतहाई बुरी न्यूज़। और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरह के चैनल बंद होने वाले हैं और किस तरह के चैनल कभी भी मोनेटाइजेशन के लिए पैर अहल नहीं हो सकते। दो ऐसे गलतियां जिसके वजह से यूट्यूब सारे पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन बंद करने जा रहा है। फ़िलहाल जिसके चैनल मोनेटाइज हैं वो सेफ है, लेकिन जो दो गलतियां करते हैं उनके चैनल भी डीमोनेटाइज हो सकते हैं और फिर उनको कभी भी अप्लाई का मौका भी नहीं मिल रहा। तो इन दो गलतियों से अपने चैनल को बचाएं, क्योंकि व्यूअर्स आज से फिर नए चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे हैं। तरह का मसला आ रहा है, जो भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे, इस तरह का ऑप्शन उनको मिल रहा है। जिनके चैनल मोनेटाइज हैं शायद उनके चैनल भी डीमोनेटाइज हो जाए अगर उन्होंने ये दो गलतियां की। तो वो दो गलतियां किस तरह है व्यूअर्स, वो मैं आपके साथ इस मुख्तसर वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि इन दो गलतियों को कभी भी मत करना, क्योंकि नए चैनल तो मोनेटाइज नहीं हो सकते। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, इन दो गलतियों की वजह से आपका चैनल भी डीमोनेटाइज हो सकता है। व्यूअर्स, उन दो गलतियों में सबसे पहले गलती जो आपने कभी भी अपने मोनेटाइज चैनल पर नहीं करना, वो व्यूअर्स यह है कि आपने अपने वीडियो को कभी भी वॉच नहीं करना। यूट्यूब इस वजह से पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन बंद करने जा रहे हैं कि हम पाकिस्तानी इन दो गलतियों को, इन दो कामों को बार बार मुसलसल कर रहे हैं। एक, हम अपने वीडियो को खुद वॉच करते हैं, और दूसरी गलती व्यूअर्स अक्सर हम आप साइट पर देख सकते हैं कि हम इसका इस्तेमाल करके तो अपने वीडियो को खुद देखते हैं और साथ साथ एड्स पर भी क्लिक करते हैं। अगर आपने इन दोनों कामों में से एक भी काम आइंदा किया तो आपका मोनेटाइज चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है और फिर आपको अप्लाई का कभी भी मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा इन दो कामों को आज से छोड़िए, क्योंकि जिनके चैनल मोनेटाइज हैं वो सेफ हो जाए। अगर पर जो नए चैनल्स हैं वो तकरीबन एक महीने से मोनेटाइज नहीं हो रहा, उनके साथ इस तरह का मसला आ रहा है। जो चैनल मोनेटाइज हैं वो खुद को सेफ कर सकते हैं अगर इन दोनों कामों को छोड़े। मजीद भी वो ऐसा काम हरगिज ना करें जिससे यूट्यूब को ऐसा लगे कि आप उनको चीट करें, अदरवाइज वो आपका चैनल डीमोनेटाइज कर सकता है। व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें।